आप देख रहे हैं फेस टू डे न्यूज। ताजा खबरों के लिए फेस टू डे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की कामयाबी के बाद कांग्रेस काफी गदगद है, वहीं उसने धन्यवाद यात्राओं का दौर शुरू कर दिया है। इसी को लेकर हापुड़ जनपद में बुधवार को कांग्रेस जन अतरचुपुरा चौराहा यानी नेहरू चौक पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस जनों ने नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और धन्यवाद यात्रा की शुरुआत की। नेहरू प्रतिमा से शुरू होकर गोल मार्केट, सर्राफा बाजार, पुराना बाजार होते हुए सिकंदर गेट स्थित शहीद मार्ग पर पहुंचे। धन्यवाद यात्रा में प्रदेश सचिव, जिला प्रभारी पुरुषोत्तम नागर भी पहुंचे। वहीं आशीर्वाद यात्रा सेवा दल जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। अंकित शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इंडिया गठबंधन को जो जनादेश देकर अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए कांग्रेस महासचिव व यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा में ये धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। कांग्रेसियों ने धन्यवाद यात्रा के जरिए लोगों को आभार व्यक्त किया। प्रदेश सचिव, जिला प्रभारी पुरुषोत्तम नागर ने कहा कि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने बीजेपी का अहंकार तोड़ा है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के दिशा निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को लोगों का असीम प्यार मिला, स्नेह मिला मत के माध्यम से इस लोकसभा चुनाव में, तो हम लोग कांग्रेस के पूरे 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की, उनमें सब में हम लोग एक यात्राएं निकाल रहे हैं जिसका हम लोगों ने आभार और धन्यवाद यात्रा नाम दिया है। उसी क्रम में आज हम लोग हापुड़ जनपद में तमाम हमारे कांग्रेस की, वरिष्ठ कांग्रेस की, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे कांग्रेस के नेता, हापुड़ के जितने भी हैं सब और सदर में के तमाम हमारे जितने कार्यकर्ता, उनको हम लोग लेके हमने धन्यवाद यात्रा निकाली और सभी उन मतदाताओं का, अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद किया कि जो विश्वास आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी में और गठबंधन में दिखाया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आपकी लड़ाई लड़ने का कार्य, चाहे किसान की, नौजवान की, मजदूर की, महिलाओं के सम्मान की, तमाम लड़ाइयों को लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी इसी मजबूती के साथ में करती रहेगी। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फेस टू डे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।